राजौरी जिले के कंडी इलाके में मुठभेड़ के दौरान आतंकी हमले में हिमाचल प्रदेश के दो जवान शहीद हो गए, जिनमें से एक सिरमौर जिला के प्रमोद देव नेगी शहीद हुए हैं, तो वहीं जिनका पार्थिव शरीर अब उत्तराखंड के रास्ते में हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब होते हुए शिलाई पहुंचा है, जहां पर शहीद प्रमोद नेगी का पूरे राजकीय सम्मान सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हाथों में तिरंगे लेकर बच्चे खड़े नजर आए और इस दौरान आपको बता दें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी वहां पर उपस्थित रहे और संस्कार में शामिल हुए। प्रमोद को राखी पहनाते हुए तो तस्वीरें उस समय की जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया पार्थिव शरीर को और उस समय सैन्य सम्मान के साथ